हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लास्ट मिनट DIYs फॉर वैलेंटाइंस डे। दो तरह के हम बनाएंगे आज क्राफ्ट्स वैलेंटाइंस डे के लिए। तो सबसे पहले मैंने हार्ट शेप में एक ब्लैक शीट कट कर ली है, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है दोनों तरफ से। एनवलप बन जाएगा हमारा एक इस तरह से। इसको मैंने पेस्ट करने के लिए फेविकोल की हेल्प ली है। फेविकोल की हेल्प से मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो ये हमारा एक एनवलप बन गया। उसके बाद मैंने एक रेड कलर की शीट ली है, डबल शीट ली है मैंने, उसमें मैंने ऐसे हार्ट ड्रॉ कर लिया। और अब इसको हम सीजर की हेल्प से कट करेंगे। कट करने के बाद ये देखिए हमारा हार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह से रोज बनाएंगे। मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया, फिर हम इसे सीजर से कट कर लेंगे। जो ये हमारा स्पाइरल बन गया है, अब हम इसको रोज बनाने के लिए फोल्ड कर लेंगे स्पाइरल को। तो इस तरह से हम छोटे छोटे रोजेस बना लेंगे बहुत सारे। ये देखिए ये हमारा बन गया रोज। बहुत सारे रोज़ेस बना लेंगे हम। इसको जो हमने हार्ट शेप का बनाया है रेड कलर का, उसके ऊपर छोटे छोटे रोज़ेस हम पेस्ट कर देंगे सब जगह। इस तरह से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सब जगह मैंने इसको हार्ट रोज़ेस से कवर कर दिया, इसकी जो आउटर साइड थी हार्ट की। तो इस तरह से ये देखो ये हमारा दिखेगा। एक मैंने वाइट कलर का हार्ट कट कर लिया, उसको हम इसकी अंदर वाली साइड पेस्ट करेंगे, जिसके ऊपर हम अपने लव्ड वन के लिए कोई भी इसमें मैसेज लिव करेंगे। मैसेज लिख देंगे इसमें, कुछ भी आप जो भी लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे आप एक मैसेज लिख सकते हैं। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्टिकर लगा दिया। आप कुछ भी लगा सकते हैं इस पर, वो आपकी विश है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम अपना नेक्स्ट DIY की ओर चलते हैं। हमने बुके बनाने के लिए हमने इस तरह से शीट ले ली रेड कलर की। इस तरह से हम काफ़ी सारे रोज़ेस बना लेंगे। रोज़ेस बनाने के बाद अब मैंने यहाँ ग्रीन कलर की शीट ली है, जिसमें हम अपने रोज़ेस रैप करेंगे। इस तरह से मैंने इस पैटर्न में कट करना है हमें। सीजर से मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसमें अपना एक एक करके
सारे रोजेज हम रैप कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने सारे रोजेज इस तरह से रैप कर लेंगे। अब मैंने यहाँ इसको टाई कर लिया है जूट रोप की हेल्प से। आपको रिबन भी ले सकते हैं। और मैंने इसको ब्लैक कलर की शीट का एक कॉन बना के इस तरह से इसमें रोजेस पैक करते हैं। आप इसमें फ्लावर्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसको और सुंदर बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारे आज के 2 DIYs रेडी हो चुके हैं। तो आज अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।